बॉस से चली ना वो रुपना की तरफ उतर जाएगी कि कुछ एक और टीम है, एक आधा टीम है, लेकिन ये क्या रॉनी आएंगे आते अपने मैशेटी से, फ्रैग उन्होंने निकाल दिए सामने टीम एफएस ईस्पोर्ट्स का चैलेंज, और ये पहली मर्तबा नहीं है श्रृंखलाएं देख रहे हैं उसमें एफएस वर्सेस आईक्यू सोल, ये झड़प बार बार लगातार हो रही है। आज के दिन में देखा जाए तो पूरी तरह से पड़ला भारी टीम आईक्यू सोल का देखने को मिलता नजर आ, लेकिन रॉनी बट अभी के लिए मानव रिवाइवल, लेकिन वो जिम्मेदारी है पावर एंड नकुल की रहेगी सबसे ज्यादा इस फाइट में। वो कैसे इस फाइट को देख रही है काफी ज्यादा फोकस करने वाली बात है, वहां पर तीन खिलाड़ी रहने वाले हैं, फीट थोड़ा सा ठहराव, एक कंपाउंड है, उतनी बेटर लूट मुझे नहीं लग रही कि उनके पास रहेगी एफएस के पास। ट्रिस गॉड को यहां पिक ऑफ कर लिया गया, चलिए क्लच का यहां पर ओपनिंग मिलता हुआ नजर आ जाएगा नकुल द्वारा। नकुल की पोजीशन को देखे, एक ऐसी पोजीशन जिसको थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना मुश्किल रहता है, बट इस बीच यहां पर एक नॉक देते हुए मैन जरूर नजर आ जाएंगे रॉनी को, बट मीनवाइल उनको भी टेक डाउन कर दिया जाएगा आखिरी खिलाड़ी के रूप में, और एफएस शायद इस फाइट को हार जाएगी, और बिल्कुल वो हारते हुए नजर आ जाएंगे। शायद हो सकता है कि आईक्यू सोल की एक अर्ली आपको ड्रॉप स्ट्रगल देखने को मिल जाए, क्योंकि वहीं पे आप देखेंगे FS Esports की टीम को भी, और ये मौका है S-Power के पास नॉक ढूंढने का, क्लच को हवे में नॉक करना चाहते थे, कहीं ना कहीं जमीन पर उनको गिराना चाहते थे, लेकिन इस बीच में विजर्ड को डाउन किया जाएगा एंड वी हैव द फर्स्ट ब्लड सिचुएशन जहां पे नकुल वो नॉक ढूंढते हैं, और फर्स्ट ब्लड आईक्यू सोल इजी तरीके से आप देखिए अपना नाम कर चुकी है, लेकिन वहीं पे एक और जो प्लेयर है उनको भी डाउन किया जाएगा, आप देखिए एक और बेहतरीन नॉक, और उसके बाद वो नॉक को फिनिश में भी तब्दील किया जाता है, और आईक्यू सोल जैसा उनका नाम है देखिए मुझे लग रहा है कि वो एग्रेसिव गेम प्ले यहां पर नजर आएगा, उन्होंने स्पॉट कर रखा है कि एक खिलाड़ी है जो काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है अपने प्लेयर से दूर है, यहां पर स्पॉट करते हुए नजर आ जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़े गाड़ी से कुचलने की कोशिश, बट गाड़ी उनके ऊपर से जंप करेगी और उसके बावजूद वो पिस्टल से उस खिलाड़ी को टेक डाउन कर दिया जाएगा, और पूरी कोशिश करेंगे कि यहां से चारों फ्रैग्स लेकर जाया जाए, कोई भी एक फ्रैग छोड़ा ना जाए। आईक्यू सोल के जो सोल्जर्स हैं वो बता रहे हैं एक बार और FS Esports को कि आप उनके सामने बार बार मत आइए, नहीं तो बार बार वो आपको परेशान करेंगे, एक एक करके अपने शिकंजे में जकड़ते चले जा रहे हैं वो, लेकिन दूसरी तरफ आईक्यू सोल के लिए संघर्ष अभी भी जारी है, क्योंकि इस बार इस टीम के IGL मान्या नॉक होते हुए दिखे, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अक्सर हाइट के एडवांटेज को फायदा यहां पर होता है इस फाइट में, और अभी भी ऐसा मुझे लग रहा है कि हाइट के एडवांटेज वाली टीम को ही फायदा मिलेगा, बट रॉनी क्या क्लच कर सकते हैं, अच्छा ग्रेनेड पड़ता हुआ नजर आएगा टीवीएस हाथों में रहेगी रॉनी आगे बढ़ते हुए, शैडो यहां पर मौजूद, बट अच्छा कनेक्शन यहां पर मिलेगा और रॉनी को भी कट पोश आ चुका है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए खिलाड़ी नजर आएंगे, एक नॉक मिलता हुआ नजर आएगा, एक और नॉक यहां पर मिलता हुआ नजर आ चुका है, FS Esports ताश के पत्तों की तरफ बिखरते हुए नजर आ रहे, ट्रेस गॉड को भी स्पॉट किया, आगे बढ़ना चाहते हैं ना कुल फाइट एंगेज करना चाहते हैं, उसी में यहां पर कन्वर्ट किया गया, बट शॉटगन का कनेक्शन आया तो काम बन सकता है, ट्रेस गॉड एक साथ दो खिलाड़ियों को टेक डाउन करते हुए नजर आ जाएंगे, रॉनी के हाथों में यहां पर उजी और दूसरी रहेगी यहां पर पिस्टल, और रॉनी जो है एक फिनिश इन्होंने कंफर्म किया, लेकिन साथ ही साथ हमें ध्यान देना होगा कि अपने तीन साथियों को वो गवा चुके हैं, और तीन प्लेयर्स को गवाने के बाद आप समझ सकते हैं कि रॉनी के ऊपर अभी क्या बीत रही होगी, क्या एक क्लच हो पाएगा, और पीछे आप देखिए असम टाइटंस की जो टीम है वो भी यहाँ पे स्लैमिंग दे चुकी है, तो शायद से अब आईक्यू सोल आपको बाहर जाते हुए दिखेगी, लेकिन ये पहला नॉक खूबसूरती के साथ टैकल किया, नॉक को फिनिश में तब्दील भी किया, उनके खाते में दूसरा अंक आ चुका है, यानी कि अभी तक रॉनी अपने पैरों पर अपने बलबूते पर उन्होंने दो प्लेयर्स को फिनिश करके रख दिया है। मीनवाइल अगर फाइट की बात करें तो यहाँ पर गुजरात टाइटंस भी यहाँ पर आते हुए नजर आ जाएंगे, माफ़ करिए गुजरात टाइगर्स भी यहाँ पर आते हुए नजर आ जाएंगे, और रॉनी अभी भी मुझे थोड़ा सा मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एज अ लोन सर्वाइवर वो है, बट फोर्थ पार्टी यहाँ पर आते हुए नजर आ चुके गुजरात, रॉनी आगे बढ़ते हुए हिटमैन के साथ बैटल लेना चाहते हैं, हिटमैन वो राइट घर पे जा, राइट छोटे घर पे घुस जा, दूसरी तरफ तो यहाँ पर FS ये फाइट कब त्राल कब खत्म होगी, आज के दिन भी तो देखिए टीम आईक्यू सोल नहीं FS को सबसे बाहर यहाँ पर बाहर का रास्ता दिखाया है, मान्य अभी ट्राई करेंगे, यहाँ एक नॉकआउट जरूर खिलाड़ी हुए हैं, लेकिन प्रेज गॉड की प्रेसिंग अभी भी चल रही है, बट रॉनी का वो नॉकआउट मान्य और S-Power के ऊपर है, वो जिम्मेदारी की इस फाइट को किसी भी कारणवश अपने कैजुअलिटी ना खाए, फिलहाल तो देखिए मार्किंग चल रही थी उनके खिलाड़ी के द्वारा, जी हाँ दूसरे प्लेयर्स को भी निकाला जाएगा, विजार्ड को भी, क्लच को भी, और अब देखते हैं यहाँ पर प्रेज गॉड पापा जी आ तो जरूर चुके हैं प्री फायर करने की कोशिश, शायद हाथ में उजी है उनके जिसके चलते वो आए जरूर थे कन्फर्मेशन निकालने की कोशिश, लेकिन मुझे लग रहा है अब यहाँ से बच पाना काफी मुश्किल रहेगा इनके लिए, अब जी हाँ 1v3 टीम ज्यादा